अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज एडवोकेट अस्लाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने पीपीसी सेक्शन 20 तक पढ़ लिया था, आज हम सेक्शन 21 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पब्लिक सर्वेंट के बारे में है। पाकिस्तान पेनल कोड में पब्लिक सर्वेंट की जो है वो 11 टाइप्स बताई गई हैं, जिसमें कमीशनड आर्मी ऑफिसर्स भी आते हैं, जिसमें जजेस भी शामिल हैं, और वो तमाम लोग शामिल हैं जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस में या कोर्ट्स में जो अमला काम करता है वो तमाम जो है वो पब्लिक सर्वेंट में आता है। ये जनरल सी चीजें हैं, ये आप लोग खुद भी रीड कर सकते हैं। तमाम उन पोस्ट्स के नाम लिखे गए हैं जो कि पब्लिक सर्वेंट के बीच में आती हैं। सेक्शन नंबर 22, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम मूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहेंगे? वो प्रॉपर्टी जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो सकती है उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। इसके नाम से ही जाहिर है कि वो चीज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। कोई भी व्हीकल इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी वो चीज कब बनेगी? अब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि कोई मोटर वगैरह है, ठीक है। अब वो मूवेबल प्रॉपर्टी है कि हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, दुकान से उसको घर लेके आते हैं, तो वो मूवेबल है। वो इमूवेबल में कब कन्वर्ट होगी? जब हम उसको जमीन के साथ उसका कनेक्शन कर देंगे, जब वो लैंड के साथ जमीन के साथ फिक्स हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी? वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी कन्वर्ट हो सकती है। उसके बाद सेक्शन नंबर 23 है, रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन हम किसे कहेंगे? जैसे कि इसके नाम से जाहिर है गेन, लेकिन रॉन्गफुली मतलब कोई भी इल्लीगल एक्ट करते हुए, इल्लीगल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए कोई भी प्रॉफिट हासिल किया जाए, कोई भी रकम हासिल की जाए, कोई भी गेन लिया जाए, वो जो गेन होगा जो इल्लीगल तरीके से लिया गया होगा उसको हम रॉन्गफुल गेन कहेंगे। इसी तरीके से कोई भी लॉस है जो कि किसी रॉन्गफुल तरीके से हो रहा है, कोई गलत रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए इल्लीगल रिसोर्सेज के जरिए, इल्लीगल तरीके के जरिए किसी को नुकसान पहुंचता है, तो वो जो नुकसान उसको पहुंच रहा है वो रॉन्गफुल लॉस कहलाएगा। इसके अलावा दूसरी टर्म जिसमें यूज की गई है, गेनिंग रॉन्गफुली की और लूजिंग रॉन्गफुली की, ये भी सेम मीनिंग में आता है कि अगर कोई गेन कर रहा है रॉन्गफुल मीन्स के साथ, इल्लीगल मीन्स के साथ, किसी भी ऑफेंस करते हुए, कोई भी ऐसा इल्लीगल एक्ट करते हुए, तो वो जो है वो गेनिंग रॉन्गफुली में आएगा। इसी तरीके से अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो लूजिंग रॉन्गफुली में आएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 24 है, डिसहोनेस्टली। अब हम डिसहोनेस्टली किसे कहेंगे? यहां पे मैं एक चीज क्लियर करता चलूं कि इन सेक्शंस को याद करने के लिए, डेफिनेशंस को याद करने के लिए, हमें इन सेक्शंस में ही कुछ ऐसे की वर्ड्स, की पॉइंट्स उठाने होंगे जिसकी वजह से हमें पूरा सेक्शन याद हो जाए। जो जुडिशियल अकेडमीज हैं, मोस्टली जुडिशियल अकेडमीज, उसमें यही सिखाया जाता है कि आप किसी भी सेक्शन को किस वर्ड से, किस पॉइंट से, पूरे सेक्शन को आप याद रख सकते हैं, ताकि कोई भी मजिस्ट्रेट का या सिविल जज का इम्तिहान होता है तो उसमें आप वो स्टेटमेंट जो है हूबहू उसमें लिख सकें। तो यहाँ पे जो हम इसका कीवर्ड्स हैं या जो लाइन है हम याद रखेंगे इस सेक्शन को याद रखने के लिए, डिसहोनेस्टली में क्या होगा कि रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। सेक्शन नंबर 25 है, फ्रॉडुलेंटली। अब कोई भी शख्स फ्रॉड करते हुए किसी के साथ, उसको धोखा देते हुए कोई भी चीज हासिल करता है, तो वो जो एक्ट वो कर रहा है, वो जो अपना अमल वो कर रहा है, उसको हम फ्रॉडुलेंटली कहेंगे कि वो फ्रॉडुलेंटली एक्ट कर रहा है। अब यहां पे हमने दो चीजें पढ़ी हैं, डिसहोनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। इन दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। जो डिसहोनेस्टली है वो सीधी सीधी बेईमानी है। आपने किसी के पास कोई चीज रखवाई है, उसके बाद वो चीज वो रख के, कोई पैसे हैं, कोई सोना है, उसको देख के वो बेईमान हो गया और वो अब आपको वापस नहीं कर रहा, ये जो चीज है ये डिसहोनेस्टली में आएगी कि वो बेईमान हो गया, डिसहोनेस्ट हो गया। और फ्रॉड में क्या आएगा कि आपको कोई शख्स धोखा देते हुए आपकी कोई चीज हथिया लेता है, कोई पैसे हैं या गोल्ड है, आपको कोई धोखा देते हुए, आपके साथ फ्रॉड करते हुए वो चीज हथिया लेता है, तो उसको हम फ्रॉडुलेंटली एक्ट कहेंगे। तो वो जो एक्ट कर रहा है वो फ्रॉडुलेंटली है। तो ये बेसिक डिफरेंस है फ्रॉडुलेंटली में और डिसहोनेस्टली में। सेक्शन नंबर 26, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, रीजन टू बिलीव। अक्सर सेक्शन में यूज होती है और बेसिक है और बहुत इजी भी है कि कोई भी शख्स जो कि कोई एक्ट करता है उसके पास एक रीजन होता है उस एक्ट करने का। तो किसी भी चीज पे एतबार करना, अब हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ है या डिसहोनेस्टली हुआ है उसके पीछे एक रीजन टू बिलीव है,
कि वो जो फ्रॉड हमें हर साथ वो कर गया है, हमने उसकी बातों पे यकीन किया, उसकी बातों को माना, हमारे पास रीजन टू बिलीव था। सेक्शन नंबर 27, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ सर्वेंट क्लर्क। अब कोई भी शख्स है जो कि उसका ऑनर है, लेकिन उसका पोजेशन या तो उसकी वाइफ के पास है, या उसके सर्वेंट के पास है, या किसी भी क्लर्क के पास है, अब वो जो पोजेशन होगा वो लॉ पीपीसी के मुताबिक ये समझेगा कि वो जो पोजेशन है वो उस पर्सन के पास है जो कि उसका ऑनर है, जो कि उसका हस्बैंड है। अब कोई भी शख्स है वो अपनी गाड़ी यूज के लिए अपने क्लर्क को दे देता है, लेकिन वो शख्स उसका ऑनर है, तो लॉ ये कंसिडर करेगा कि जो उस चीज के ऊपर पोजेशन है वो उसी ऑनर का है, ना कि जिस क्लर्क के पास या सर्वेंट के पास या वाइफ के पास वो जो गाड़ी है उसका पोजेशन है। सेक्शन नंबर 28, काउंटरफीट। कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल विद एनदर वन टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। कोई भी ऐसी चीज बनाना जो कि किसी दूसरी चीज से रिजेंबल करती हो, किसी को भी धोखा देने के लिए, तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, काउंटरफीट करना। कि वो किसी भी शक्ल, किसी भी चीज की वो जो शक्ल है वो हूबहू बना रहा है, सेम वैसी ही चीज बना रहा है ताकि वो अवाम को धोखा दे सके, सेम नकल तैयार करता है, उसको मार्केट में बेचता है, तो वो जो काउंटरफिटिंग कर रहा है, वो जो नकल बना रहा है लोगों को धोखा देने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए, तो इस टर्म को हम काउंटरफिट कहेंगे। सेक्शन नंबर 29, डॉक्यूमेंट। ये हमें डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है कि डॉक्यूमेंट हम किस चीज को कहेंगे। सिर्फ पेपर्स का होना, इसको सिर्फ हम डॉक्यूमेंट नहीं कहते। डॉक्यूमेंट एक बहुत ही वसी टर्म है लॉ के मुताबिक। इसमें हर वो चीज आती है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब एक चमड़े का टुकड़ा है, उसके ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो एक डॉक्यूमेंट है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सेक्शन नंबर 30। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होगी? वो डॉक्यूमेंट जो कि एक लीगल राइट क्रिएट करता है, या उसको ट्रांसफर करता है, या उसको रिलीज करता है, या उस राइट को खत्म कर देता है, वो जो चीज होगी, वो जो डॉक्यूमेंट होगा, उसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं इंडोर्समेंट की, कि कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है उसकी बैक साइड पे आप इंडोर्समेंट करते हो, तो वो जो इंडोर्समेंट हुई हुई है कि ये जो राइट, लीगल राइट ट्रांसफर किया गया है किसी दूसरे को, तो ये जो एंडोर्समेंट है ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। सेक्शन नंबर 31, विल। जैसे कि इसके नाम से वाजे है कि विल आपकी मर्जी, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपकी मर्जी जाहिर कर रहा हो, या जो भी आपने अपनी मर्जी से किया हो, जो आपकी मर्जी है उसको हम विल कहेंगे पीपीसी में। सेक्शन नंबर 32 है वर्ड प्रेफरिंग टू इंक्लूड इलीगल ओमिशन। अब ये स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी है, लेकिन डेफिनेशन छोटी सी है, बल्कि एक चीज बता रहा है वो इस डेफिनेशन में, कि जहां पे भी वर्ड एक्ट यूज किया गया होगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक्ट, ओमिशन भी वहां पे, जो इलीगल ओमिशन है वो भी सेम वर्ड जहां पे एक्ट यूज होगा उस जगह पे सेम ओमिशन को भी कंसीडर किया जाएगा, कि यहां पे एक्ट के साथ साथ ओमिशन भी है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें हम जाके डिफरेंस पढ़ेंगे कि एक्ट और ओमिशन में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा इसके ऊपर मेरी एक अलहदा वीडियो भी मौजूद है, एक्ट और ओमिशन में डिफरेंस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसके दरमियान है, जो कि अक्सर एग्जाम्स में भी आया होता है। सेक्शन नंबर 33, जो कि हमें एक्ट और ओमिशन का डिफरेंस बताता है। कोई भी अमल, कोई भी ऐसा स्टेप हम लेते हैं, तो वो जो चीज है, वो जो हमारा अमल है, उसको हम एक्ट कहेंगे। कोई भी हम अमल करते हैं वो हमारा एक्ट है, लेकिन जो लॉ के मुताबिक हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें, कि हमने ये चीज अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पूरी करनी है, और हम फेल हो जाते हैं वो अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में, तो हम क्या कर रहे हैं, ओमिशन कर रहे हैं। तो बेसिकली एक्ट और ओमिशन में क्या डिफरेंस हुआ, कि आपका कोई भी अमल वो एक्ट कहलाता है, लेकिन ओमिशन क्या है, कि आप कोई भी अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते हो, उसमें फेल हो जाते हो, तो ये जो होगा ये इलीगल ओमिशन होगा। ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन एक्ट एंड द ओमिशन। सेक्शन नंबर 34, कॉमन इंटेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो अक्सर एग्जाम्स में आ चुका है। अब सेक्शन नंबर 34 हमें बता रहा है कॉमन इंटेंशन के बारे में। एक ग्रुप है 6 से 7 लड़कों का, वो जाके कोई ऑफेंस करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई इलीगल एक्ट करते हैं।
लेकिन उन सबको पता था, उन सबकी इंटेंशन सेम थी कि हमने फलां चीज को नुकसान पहुंचाना है या फलां इलीगल एक्ट करना है। सबकी जो इंटेंशन है वो सेम थी, तो लॉ उसको इसी तरीके से डील करेगा। तो वो जो ऑफेंस हुआ है, अगर वो शख्स अकेले भी करता तो सेम लाइबिलिटी उस पर आती है, और अगर वो ग्रुप में कर रहा है तब भी सेम लाइबिलिटी आएगी। सेक्शन नंबर 35 ये हमें क्रिमिनल इंटेंशन के बारे में बता रहा है। यहाँ वहां पे क्या था, सिर्फ कॉमन इंटेंशन थी कि कोई भी एक एक्ट करना था जो कि सेम इंटेंशन के साथ था, लेकिन यहाँ पे क्या इंटेंशन है, यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन है। तो यहाँ पे भी वो सेम कहता है कि हर पर्सन पे जो है वो ईच पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी आएगी उस एक्ट की, जैसे कि उसने वो जो एक्ट है वो अकेले ही मुकम्मल सर अंजाम दिया है। सेक्शन नंबर 36 ऑफेंस कॉज बाय एक्ट पार्शली एंड पार्शली बाय द ओमिशन। एक्ट और ओमिशन के दरमियान क्या डिफरेंस है वो चीज हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पे वो बता रहा है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो कि पार्शली एक्ट की वजह से हुआ है और पार्शली जो है वो ओमिशन की वजह से हुआ है। सेक्शन नंबर 37 है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। कोई भी शख्स है वो कोई भी ऑफेंस करने में किसी की मदद करता है, उसको कोऑपरेट करता है, तो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे ही वो ऑफेंस उसने किया है, बेशक वो उस ऑफेंस करने में वो कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा ही तसव्वुर किया जाएगा कि जैसे वही ऑफेंस उसने किया है। अब यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी दो जेलर हैं और वो किसी भी कैदी को, प्रिजनर को खाना प्रोवाइड करते हैं टाइम के ऊपर, लेकिन जब वो दोनों जेलर जो हैं वो आपस में साजबाज हो जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम इसको जो है वो खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो जब एक एक प्रिजनर एक जेलर की ड्यूटी होती है तो वो उसको खाना नहीं देता, फिर दूसरे जेलर की जो ड्यूटी आती है वो भी उसको खाना नहीं देता, तो ये जो पूरे सर्कल में वो अपनी अपनी तरफ से अपना अपना एक्ट कर रहे हैं, और फिर वो जो प्रिजनर है, वो जो कैदी वहां पे, वो भूखे वजह से मर जाता है, तो ये जो ऑफेंस हुआ है ये मर्डर कहलाएगा और दोनों इसकी लाइबिलिटी में आएंगे, दोनों जेलर मर्डर के जिम्मेदार होंगे। सेक्शन नंबर 38 पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। अब कोई भी एक ऑफेंस हो रहा है उसके अंदर हर शख्स जो है वो अपना अपना पार्ट अदा कर रहा है, अपना अपना सेवरल एक्ट अदा कर रहा है, तो अगर कोई मर्डर हो रहा है उसमें और वो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं उसमें, कोई आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, कोई पॉइजन प्रोवाइड कर रहा है और कोई जाके खिला रहा है, इस तरीके से अगर कोई अमल हो रहा है तो उसमें जो है वो डिफरेंट जो शख्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए लायबल होंगे। ये नहीं है कि अगर एक मर्डर हुआ है तो सभी जिम्मेदार होंगे, तो वो जो आर्म प्रोवाइड कर रहा है, जो जाके उसको फायर कर रहा है, उसके ऊपर अलहदा लाइबिलिटी आएगी, जो आर्म प्रोवाइड कर रहा है, जो गोलियां प्रोवाइड कर रहे हैं, उन दोनों के ऊपर अलहदा लाइबिलिटी आएगी। तो ये सेक्शन हमें ये चीज बता रहा है। सेक्शन नंबर 39 वॉलंटेरिली। अब हमें इसमें दो पॉइंट्स याद रखने हैं, एक तो इसमें इंटेंशन होगी, दूसरा रीजन टू बिलीव होगा। अगर कोई भी शख्स कोई काम करता है विद द इंटेंशन और उसके पास रीजन टू बिलीव है वो काम करने के लिए, तो वो जो एक्ट हुआ है, वो जो चीज हुई है, उसको हम वॉलेंटेरली कहेंगे। सेक्शन नंबर 40 ऑफेंस। अब यहां से जो डेफिनेशन शुरू हो रही है, ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशन है। अब ऑफेंस जो है, कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा अमल जो कि इस कोड के खिलाफ है, जो कि एक इलीगल एक्ट है, उसको हम ऑफेंस कहेंगे इस कोड के मुताबिक। सेक्शन नंबर 41 है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ क्या होता है, इसमें हम पॉइंट याद रखेंगे, पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जो एक स्पेशल लॉ होता है वो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में होता है। ये नहीं है कि अगर कहीं पे कोई लॉ किसी स्पेसिफिक एरिया में अप्लाई हुआ है तो आप उसको कहेंगे कि यहाँ पे स्पेशल लॉ लगा हुआ है, नहीं, स्पेशल लॉ हमेशा एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में होगा। सेशन नंबर 42 लोकल लॉ। अब कोई भी पार्टिकुलर एरिया है, अब यहाँ पे हम पॉइंट याद रखेंगे पार्टिकुलर एरिया, कोई भी पार्टिकुलर एरिया के अंदर जब कोई लॉ अप्लाई किया जाता है तो वो जो लॉ कहलाता है उसको हम लोकल लॉ कहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमने दो टाइप्स ऑफ लॉ पढ़े हैं, एक स्पेशल लॉ और एक लोकल लॉ। सेक्शन नंबर 43 हमें दो चीजों की डेफिनेशन बता रहा है, एक तो इलीगल और दूसरा लीगली बाउंड टू डू, जो कि एक ऑफेंस है, जो कि इस कोड की रूह से एक ऑफेंस है, इलीगल एक्ट है, वो जो है वो इलीगल हो गया, ठीक है। और जो लीगली बाउंड टू डू है, कोई भी ऐसी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है जो कि हम लॉ की तरफ से हम बाउंड हैं कि हम अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, उस चीज को हम कहेंगे कि हम लीगली बाउंड टू डू हैं कि हम वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें या अपना वो एक्ट करें। सेक्शन नंबर 44 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंजरी।
अब आम मेडिकल की फील्ड में हम जब इंजरी पड़ते हैं तो वो कोई भी चोट लगना, उस चीज को हम इंजरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि कोई भी हार्म जो हमारी बॉडी को पहुंचता है, जो हमारे माइंड को पहुंचता है, हमारी प्रॉपर्टी को पहुंचता है, या फिर हमारी रेपुटेशन को पहुंचता है। तो ये जो तमाम हार्म्स हमारी प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, माइंड को, बॉडी को पहुंच रहे हैं, ये तमाम चीजें जो है वो इंजरी की डेफिनेशन में आती है। जहां पे भी वर्ड इंजरी यूज किया गया होगा वहां पे इन चारों पांचों चीजों की बात की जाएगी। सेक्शन नंबर 45 हमें लाइफ के बारे में बता रहा है। अब जहां पे भी वर्ड लाइफ यूज होगा पीपीसी में, वहां पे लाइफ का मतलब होगा किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ। इसी तरीके से सेक्शन 46 है जो कि हमें डेथ के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे भी जहां पे डेथ का वर्ड यूज होगा वहां का पे मतलब होगा कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेथ। सेक्शन नंबर 47 हमें एनिमल्स के बारे में बताता है कि एनिमल कौन होगा। वैसे तो मेडिकल फील्ड में देखा जाए तो इंसान भी एक एनिमल है, लेकिन लॉ जो है वो इंसान को एक इज्जत प्रोवाइड करता है, तो इंसान के अलावा जितनी भी जानदार चीजें हैं वो एनिमल कहलाएंगी। कोई भी बर्ड है, कोई भी कोई चीज है, वो भी एनिमल की ही डेफिनेशन में आएगा, सिर्फ इंसान को छोड़ के। सेक्शन नंबर 48 वेसल। अब हम वेसल कैसे कहेंगे? कोई भी ऐसा ट्रैक, कोई भी ऐसा पाइप जो कि या तो ह्यूमन बींग्स को पानी पहुंचाने के काम है, या भी किसी प्रॉपर्टी को, किसी भी फसलों को पानी पहुंचाने के काम है, तो उसको हम वेसल कहेंगे। सेक्शन नंबर 49 हमें ईयर और मंथ के बारे में बता रहा है। अब आप कहेंगे कि ये डेफिनेशन पढ़ाने की क्या जरूरत थी कि ईयर और मंथ भी हमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि जो ब्रिटिश कैलेंडर है उसको फॉलो किया जाएगा, किसी भी लूनर कैलेंडर को या इस्लामिक कैलेंडर को यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाएगा, बल्कि ब्रिटिश कैलेंडर को फॉलो किया जाएगा और उसी के ईयर और मंथ को बताया जाएगा। सेक्शन नंबर 50 है। अब हम जो इसमें टर्म यूज कर रहे हैं, सेक्शन फलाना सेक्शन फलाना सेक्शन, आखिर सेक्शन है क्या? तो सेक्शन नंबर 50 हमें सेक्शन के बारे में बता रहा है कि सेक्शन क्या चीज है। जो सेक्शन है वो एक प्रीफिक्स्ड न्यूमेरिकल नंबर है, ठीक है, जो कि इन तमाम सेक्शन को एक दूसरे से अलग करता है। तो अगर किसी को भी आप कंफ्यूज करना चाहें, इवन के किसी लॉयर को भी इस पता सेक्शन की डेफिनेशन ही नहीं पता उसको कि सेक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो आप ये कीवर्ड प्रीफिक्स न्यूमेरिकल फिगर इस चीज को याद रख के आप किसी भी लॉयर से, किसी से भी पूछ सकते हैं कि यार सेक्शन की डेफिनेशन क्या है। सेक्शन नंबर 51 ओथ। ओथ जो है वो हमारे जुडिशियल सिस्टम में बहुत ही एक अहमियत का हामिल है कि हम जो भी सूट फाइल करते हैं, जो चीज भी हम फाइल करते हैं, वो हमारा ओथ के ऊपर होता है। तमाम एफिडेविट्स, तमाम जो केस फाइल होते हैं, वो ओथ के ऊपर फाइल होते हैं। तो यहाँ पे ओथ की डेफिनेशन बताई गई है कि ओथ क्या चीज है। कोई भी हम जब डिक्लेरेशन देते हैं या फिर मिशन देते हैं, कोई चीज हम डिक्लेयर करते हैं कि हाँ जी हम ये कसम उठा के कर रहे हैं या हमारे ये ईमान के मुताबिक बिल्कुल ठीक चीज है, तो वो हम एक ओथ उठा रहे हो। सेक्शन नंबर 52 गुड फेथ। अब बहुत सारी जगह पे जो है ये गुड फेथ का वर्ड यूज किया जाता है कि मैंने ये जो अमल है ये गुड फेथ में किया है। इवन के आप अगर कोई इलीगल एक्ट करते हो और आप उसकी रीजन देते हो कि ये मैंने गुड फेथ में किया है, तो आप उस जो लाइबिलिटी है, उस जो पनिशमेंट से आप बच सकते हैं। तो ये डेफिनेशन को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो गुड फेथ क्या चीज है? आपके पास एक रीजन टू बिलीव है, प्रॉपर आपके पास अटेंशन है, और प्रॉपर ड्यू केयर के साथ आपने वो जो अमल है वो किया है। कोई भी अमल जब आप पूरी केयर के साथ, पूरी अटेंशन के साथ करते हैं, तो वो जो चीज है वो गुड फेथ में आता है। अगर वहां पे प्रॉपर केयर मौजूद नहीं है और अटेंशन मौजूद नहीं है, तो वो जो अमल है उसको हम गुड फेथ में कंसिडर नहीं करेंगे। सेक्शन नंबर 52A हार्बर। अब हार्बरिंग करना क्या है? इसमें पहले तो एक एक्सेप्शन दी गई है कि सेक्शन नंबर 57 और सेक्शन नंबर 130, जिसमें के जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को शेल्टर प्रोवाइड करती है, या हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो ये जो शेल्टर प्रोवाइड करना है अपनी वाइफ को या हस्बैंड को प्रोवाइड करना, तो ये जो है ये हार्बर के मतलब में नहीं आता। इसके अलावा आप किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी शख्स को आर्म्स प्रोवाइड करते हो, खाना प्रोवाइड करते हो, कपड़े प्रोवाइड करते हो, कोई भी इलीगल एक्ट करने में उसकी मदद करते हो, उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हो, उसको खाना दे रहे हो, तो ये जो आप अमल कर रहे हो ये आप उसकी हार्बरिंग कर रहे हो। एक इलीगल एक्ट करने में आप उसकी मदद कर रहे हो, उसको कोऑपरेट कर रहे हो, तो ये हार्बरिंग में आता है और ये एक ऑफेंस है। तो यहां पर हमारी डेफिनेशन
तमाम डेफिनेशन मुकम्मल होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद न्यू अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।